लीलन सीकर सीकर की जोरदार तालियां बजा करके अपने नेता का स्वागत करेंगे इस पावन धरा पर। आज किसान विजय सम्मान दिवस के अंदर हमारे बीच में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई पृथ्वीराज मील जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी, हरियाणा सरकार में मंत्री अनूप जी, देवेंद्र बबली जी, राजस्थान प्रदेश की महिला अध्यक्षा रीटा चौधरी जी, आदरणीय प्रतिभा सिंह जी, हमारे बीच में मौजूद युवा के अध्यक्ष भाई प्रतीक जी, विधायक अमरजीत ढांडा जी, जोगीराम जी, रामकरण काला जी, राजस्थान के हमारे माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष भाई फारूक जी, प्रधान महासचिव राजस्थान के आदरणीय रामनिवास यादव जी, मंच का संचालन कर रहे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, सभी सम्मानित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता साथियों, आज इस पावन दिन पर मैं पहले वीर तेजाजी महाराज को नमन करने के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा। लीलन घोड़ी सोवणी रे, मोतिया जड़ी लगाम, करनालिया रे वीर तेजाजी ने, झुक झुक करूं प्रणाम। बोलो वीर तेजाजी महाराज की। अरे दोनों हाथ उठा के बोलो वीर तेजाजी महाराज की। जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल अमर रहे, जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। साथियों, आज सीकर की पावन धरा पर इस ऐतिहासिक संख्या में आपने पहुंचकर एक समाचार राजस्थान के परिवर्तन में देने का काम किया है कि राजस्थान विधानसभा का ताला जेजेपी की चाबी खोलने का काम करेगी। मैं आज आपको बोलना चाहूंगा, राजस्थान परिवर्तन चाहता है और उस परिवर्तन को कैसे हम आगे लेकर बढ़ेंगे, उसको मजबूती के साथ, संख्या बल के साथ विधानसभा तक कैसे पहुंचेंगे, ये आज से एक एक कार्यकर्ता का काम है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि राजस्थान में करेंगे कमाल देखना, ये कमाल आप इसी साल देखना। हर कार्यकर्ता में देखना डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को, और उम्मीदवार में चौधरी देवीलाल देखना। चौधरी देवीलाल अमर रहे। साथियों, एक परिवर्तन हमें लाना है और उस परिवर्तन की नींव आज हम मजबूती से रखने का काम कर रहे हैं। बहुत से साथी बदलाव की बात करते हैं, मैं तो आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में घूमकर
इस कांग्रेस सरकार ने किस तरह राजस्थान को लूटा है, पीटा है, किस तरीके से युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आज उसके अंदर हमें बदलाव चाहिए और मैं यह आपको बताना चाहूंगा। मैं कल राजस्थान में गहलोत साहब के करे हुए परिवर्तनों की लिस्ट देख रहा था तो उस परिवर्तन में एक आया कि हजारों करोड़ रुपया गुलाबी रंग के इश्तियारों में लगा दिया, अखबार ये होर्डिंग साइट भर दिए और लिखा हुआ था मिशन 2030। साथियों 30 तो घड़ा दूर है, इस बार तो हम मिलकर 23 में ही घेरने का काम करेंगे। आज राजस्थान में अपराध इतना है, पूरे देश भर के अंदर पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता राजस्थान की धरा पर देखने को मिली। यहां युवा के नाम पर कैसे बाबू पैसा लूट रहे हैं। एक स्कीम चलाई गई युवा स्कॉलरशिप स्कीम, उस स्कीम के अंदर 50 युवाओं को विदेश पढ़ने को भेजा गया और 50 युवाओं में 48 युवा किसी ना किसी अधिकारी के बच्चे थे। साथियों आज माइनिंग माफिया राजस्थान का इतना हावी है कि राजस्थान के रेवेन्यू को तो लूटा जा रहा है मगर इनका भय भी निकल गया, आम जन को भी गाड़ी से रोंदने का काम किया जाता है। साथियों पेपर लीक की जब बात आती है, राजस्थान के अंदर 13 महीनों में गहलोत सरकार ने 17 पेपर लीक करवाने का काम किया और उस पेपर को कैंसिल नहीं किया, अपने चुनिंदे चाहे हुए लोगों को नौकरी पे बैठाया और ये रिकॉर्ड में आया कि एक सब डिवीजन से 200 सब इंस्पेक्टर लगे, एक ब्लॉक से 100 लगे और एक घर से 3 लगाने का काम किया। इस तरह का भ्रष्टाचार अब राजस्थान की जनता सहने का काम नहीं करेगी। और साथियों इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि अब मुहिम बनाकर घर घर जाकर ज्यादा से ज्यादा साथियों तक चौधरी देवीलाल की उस सोच को दोबारा पहुंचाने का काम करो, मजबूती देने का काम करो कि राजस्थान के परिवर्तन की नींव जननायक जनता पार्टी की चाबी उस ताला विधानसभा को खोल कर रखने का काम करे। जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद। साथियों मैं तो एक किसी साथी ने लिखकर चंद लाइनें भेजी, वो आप तक पढ़ना चाहूंगा। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के बारे में थी कि प्रधानमंत्री नहीं उन्हें ताऊ कहलवाना पसंद था, काजू पुस्ते पिस्ते नहीं उनको मतीरे खाना पसंद था, ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं उन्हें चारपाई पे सो जाना पसंद था, युवाओं को कार्यकर्ता नहीं नेता बनाना पसंद था, जाति धर्म गरीब अमीर का भेद मिटाना पसंद था, उन्हें सरकार को गांव तक लाना पसंद था, राजस्थान को भी वो इतना प्यार करते थे जितना उन्हें हरियाणा पसंद था। चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी देवीलाल अमर रहे। साथियों मैं तो एक चीज कह सकता हूं
चार साल होने को हो गए हरियाणा प्रदेश की सरकार में आपकी पार्टी की हिस्सेदारी को, और यारी प्यारी रिश्तेदारियों में पूछो तो पता चलेगा कैसे हरियाणा में बदलाव आया। आज ही के दिन पिछले साल दादरी की धरा पर चौधरी देवीलाल जी का हमने स्टैचू लगाया, सम्मान दिवस बनाया, और एक घोषणा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने करी थी, और वो घोषणा थी कि 109वें जन्म दिवस पर पार्टी 109 डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का काम करेगी। और आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि हमने 123 डिजिटल लाइब्रेरी हरियाणा के अंदर और 3 राजस्थान के अंदर स्थापित करने का काम किया है। और राजस्थान के अंदर ये संकल्प हम लेकर गए थे, और आज इस मंच से आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि ये संकल्प लेकर जाओ कि ग्रामीण अंचल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब राजस्थान के अंदर भी इस मुहिम को आगे लेकर बढ़ेंगे कि जहां देवालय वहां पुस्तकालय, जहां देवालय जहां देवालय। साथियों, और मैंने फर्क देखा है, हमने नोखा की पावन धरा पर चौधरी देवीलाल जी के नाम पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, और उस डिजिटल लाइब्रेरी से पढ़ने वाले 3 बच्चे पीछे मास्टर लगे। खरनाल वीर तेजा जी की पावन धरा पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, और खरनाल की पावन धरा पर आज 2 बच्चों को नौकरी का अवसर मिला। और इस मुहिम को आप विश्वास के साथ रखना, जिस दिन राजस्थान में सरकार में आपकी हिस्सेदारी होगी उस दिन राजस्थान के हर गांव पंचायत तक डिजिटल लाइब्रेरी की मुहिम को मजबूती से हम ले जाने का काम करेंगे। साथियों, युवा भविष्य इस देश का, युवा परिवर्तन की डोर, उस युवा को सशक्त बनाने के लिए हम एक मुहिम लेकर आगे बढ़े थे कि रोजगार मेरा अधिकार। उस रोजगार मेरा अधिकार में हरियाणा इकलौता राज्य बना जिसने हर प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो, चाहे कंपनी हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, पार्टनरशिप कंपनी हो, हर एक के अंदर 75% हरियाणा के निवासियों के लिए हमने आरक्षण बनाने का नौकरियों में काम किया। और ये विश्वास के साथ कह देता हूं, जिस दिन राजस्थान विधानसभा का ताला खुलेगा, राजस्थान की नौकरियों में भी राजस्थान के युवाओं का 75% अधिकार हम लाने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत तुम आगे बढ़ो। साथियों, हमने हरियाणा में एक और परिवर्तन लाने का काम किया कि आज हमारे युवाओं को विदेश में नौकरियों के अवसर मिलते हैं, मगर उस अवसर के लिए कोई भी कोई विभाग नहीं बनाया जाता। सरकार बनने के बाद हरियाणा में हमने एक विभाग बनाया, फॉरेन कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट, और उसके माध्यम से जितने हमारे यहाँ दूतावास है उनसे संपर्क कर युवाओं की स्किलिंग बढ़वाई, और स्किलिंग बढ़वाकर उनको युवाओं को एम्बेसीज के माध्यम से रोजगार के अच्छे अवसर विदेशों में मिले, ये संपर्क बनाने का काम किया। और मैं आज कहना चाहूंगा कि जिस दिन राजस्थान की विधानसभा में आपकी हिस्सेदारी होगी, फॉरेन कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट राजस्थान के युवाओं के लिए भी हम सरकार में बनाने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। साथियों, महिलाओं के लिए शीला बयान जी यहां है, इनकी टीम ने एक मुहिम चलाई कि हमने महिलाओं को पंचायती राज में हिस्सेदारी देनी है। हरियाणा प्रदेश में हमने कानूनी प्रावधान कर हर दूसरी कुर्सी, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, ब्लॉक समिति हो, जिला परिषद हो, जिला प्रमुख हो, ब्लॉक प्रमुख हो,
हर दूसरी कुर्सी महिला के लिए आरक्षित करने का काम किया। राशन डिपो में जहां पुरुष प्रधान देश हम बोलते हैं, महिलाओं के पास 5% हिस्सेदारी भी नहीं थी, राशन डिपो में कानून प्रदान कर महिलाओं की हिस्सेदारी 33% सुनिश्चित करने का काम किया है। और मैं वादा करता हूं राजस्थान के अंदर भी जब मौका मिलेगा राशन डिपो में 33% महिलाओं का सम्मान हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। साथियों, पिछले दिनों जयपुर से नागौर जा रहा था तो बीच में मैंने देखा फौजियों की बहुत एकेडमी थी और फौजियों को उन एकेडमीज में अफसर बनने के लिए ट्रेन नहीं किया जाता। आम गांव का युवा ये चाहता है कि मैं सिपाही भर्ती हो जाऊं, बीएसएफ में चला जाऊं, सीआरपीएफ में चला जाऊं, ज्यादा अफसर मिले तो राजस्थान पुलिस में चला जाऊं। साथियों, हम एक मुहिम अभी हरियाणा में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मैं राजस्थान के लिए भी कहना चाहूंगा, ये अपने छोरों को सिपाही भर्ती करने जोगा मत छोड़ो, अगर बनाना है तो उसको एनडीए में भेजने लायक अफसर बनाने का काम करो। और उसके लिए जिस दिन ताड़ा विधानसभा का खुलेगा, साथियों मैं आज कह के जाता हूं, राजस्थान में 4 बड़ी ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। और इतने छोटे इंस्टीट्यूट नहीं, ये मैं आ रहा था, शेखावटी यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटियों जितने बड़े बड़े कि हमारा बच्चा 10वीं के बाद उस अफसर की तैयारी में जुटे और 12वीं कर जब सीएडी एग्जाम हो आर्मी का यूपीएससी में, वहां कर्नल मेजर जनरल ब्रिगेडियर रिटायर हो, ना कि नायब और सिपाही रिटायर हो। साथियों, इस परिवर्तन में आपका साथ चाहिए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, राजस्थान में आदिवासी इलाका भी है, केंद्र सरकार को भी मैं जल्द पत्र लिखने वाला हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर भी उनसे आग्रह करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के भाइयों के लिए बहनों के लिए तो नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल बोर्ड बना दिया, मैं राजस्थान और गुजरात के हमारे जो ट्राइबल इलाके के लोग हैं, केंद्र सरकार इस पे भी नीति बनाकर इसका भी इस एरिया का उत्थान कराने के लिए यहाँ पर भी केंद्र सरकार के सहयोग से ट्राइबल बोर्ड राजस्थान का बनाने का काम करे कि आदिवासी साथियों को उनका अधिकार मिल पाए। युवा का रखवाला दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। साथियों, आज एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, हमने हरियाणा में किसानों के लिए 4 साल में अनेक कदम उठाए और ऐसे कदम है कि आज हरियाणा का किसान जो है वो सक्षम भी है और वो मजबूत भी हुआ है। आज हरियाणा में 13 फसलें एमएसपी पे खरीदने का काम हमारी सरकार करती है, 19 फसलें ऐसी है, सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, जिनको हमारी सरकार भावांतर भरपाई योजना में किसान को जो नुकसान होता है वो पैसा देकर उसकी भरपाई करने का काम करती है। आज चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर हरियाणा में जहां जीरी की खरीद शुरू हुई, वहां हमने सरकारी तौर पर बाजरे की खरीद शुरू करी। और देखो राजस्थान सरकार के काम कि इस बार राजस्थान में सूखा पड़ा तो गिरदावरी भी आज तक नहीं कराई, राजस्थान के अंदर आज तक बाजरे की सरकारी खरीद भी शुरू कराने का काम नहीं किया। साथियों, जब आपकी हिस्सेदारी होगी तो हरियाणा की तरज पर राजस्थान की फसलों को भी हम एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। किसानों का रखवाला दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। साथियों की परछाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। साथियों,
एक चीज मैं बड़ी खुशी के साथ इस मंच से आपको कह सकता हूं, हरियाणा में हमने ऐसा सिस्टम बनाया है किसान के लिए कि किसान अपनी फसल मंडी में बेच के आता है और मात्र दो दिन के अंदर उसका पूरा पैसा आढ़ती के पास नहीं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से किसान के खाते में भेजने का काम करते हैं। अगर उसकी फसल खराब हो जाए तो उसकी फसल का मुआवजे के लिए पटवारी जी के पीछे घूमना नहीं पड़ता। साथियों, हरियाणा सरकार को मोबाइल के माध्यम से भेज सकता है कि मेरी फसल में क्षति आ गई और क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसके खाते में वेरिफिकेशन के बाद तुरंत उसकी क्षति का पैसा भेजा जाता है। और पैसा भी थोड़ा नहीं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए दिया करती थी, आज हमारी सरकार 15,000 रुपए प्रति एकड़ देने का काम करती है। और मैं ये आज कह के जाता हूं, जिस दिन थारा राज होगा, जिस दिन आप लोगों की हिस्सेदारी होगी, राजस्थान के किसान को भी 15,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हम पैसा देने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। साथियों, मेरा तो विनती आग्रह अपील आपसे कि गांव का उत्थान बहुत जरूरी है। मैंने राजस्थान के अनेक शहर अभी घूमे, हमने देखा सरकार का मेन फोकस जो है वो है शहरों में बना दो, गांव को विकसित करने की बात कोई नहीं करता। हरियाणा में देख के आओ, आज हमारी पंचायतों को शहर की तर्ज पर हम विकसित कर रहे हैं। आज हमारे गली नाली तक हम सीमित नहीं है, आज मांग आती है ई लाइब्रेरी बनवा दो, कम्युनिटी सेंटर बनवा दो। आज जो हमारे 10-10 हजार की आबादी के गांव थे, शहर की तर्ज पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है 50-50, 60-60 करोड़ खर्च कर। साथियों, गांव का उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा, और इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान होगा गांव उत्थान के लिए, राजस्थान उत्थान के लिए, तो आज राजस्थान के कोने कोने से आए मेरे बुजुर्गों का होगा। मैं तो आज आपको कहना चाहूंगा कि उस उत्थान के लिए हमें कमर कसनी पड़ेगी, और आज विश्वास दिलाना पड़ेगा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कि राजस्थान की जनता अब जेजेपी जेजेपी बोलेगी, सत्ता का ताला आपकी चाबी से खोलेगी। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। साथियों, आज किसान कैसे विकसित हो, हरियाणा का इजराइल से टाइप, इजराइल के टेक्नोलॉजी से कैसे मरुस्थल इलाके में हरियाणा के फ्रूट उगाया जाए, सब्जियां उगाई जाए, डवाड़ी के मांग्याणा में, और अभी नया आपके पड़ोस शिवाड़ी के अंदर हमने सेटअप किया है। कभी रिश्तेदारी में जाने का मौका मिले देख के आओ, आज वहां पर सूखे इलाके में भी खजूर, जैतून, कैसे हमारे किन्नू और छोटी छोटी सब्जियां ऐसे उगाई जाए, इस पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसान को हम देने का काम करते हैं। और आज कहना चाहूंगा कि इस क्लस्टर सिस्टम को, इस अति आधुनिक टेक्नोलॉजी को हम उसी तरह पर हरियाणा में भी जल्द लाने, उसी तरह पर राजस्थान में भी जल्द लाने का काम करेंगे। किसानों का रखवाला दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। और एक चीज युवा साथियों के लिए और कहना चाहूंगा, देवेंद्र खड़ा डिस्कस फेंका करता था, इसका एक साथी पीछे झुंझुनू मिला, एशियन गेम्स खेल के आया और सरकार में सब इंस्पेक्टर लगा हुआ है। उसको देख के मैंने पूछा, सरकार पैसे कितने देती है, तो कहते हैं कि राजस्थान सरकार तो मामूली सा रिवॉर्ड देती है। तो मैं आज कहना चाहूंगा, जैसे हरियाणा में हमने खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाया, और कोई छोटा नहीं, सोना जीतने वाले को 6 करोड़, सिल्वर मेडलिस्ट को 4 करोड़, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 2 करोड़,
और रेस में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड ना आए, चौथे नंबर पे भी आ जाए तो उसको 50 लाख रुपए का काम हम करते हैं। और आज भाइयों वादा करता हूं बहनों भाइयों से खिलाड़ियों से कि जिस दिन भी वो चाबी आपकी ताला खोलेगी उसी तरह पर राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए भी 6 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़ और 50 लाख की खेलो उत्थान के लिए हम योजना लाने का काम करेंगे। खिलाड़ियों का रखवाला दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। साथियों मेरा तो आग्रह अपील विनती आपसे आज इतनी है कि उस लुटेरी कांग्रेस सरकार को जिसने 5 साल राजस्थान को बर्बाद और लूट खाने का काम किया, क्या कहा करते थे हमारे जयपुर के साथी बैठे कि हम जयपुर में 1 साल में 24 मंजिली अस्पताल बना देंगे। करोड़ों रुपए की ठगी मारी गई और अब तक जयपुर के अंदर 2 मंजिली अस्पताल बनाने का काम नहीं किया। साथियों राजस्थान के अंदर कहानी दिखाई जाती है कि राजस्थान शिक्षा में बढ़ रहा है, साथियों बढ़ नहीं रहा। राजस्थान तो इस शिक्षा के व्यापार में उजड़ रहा है। हर चौथे पांचवें दिन अखबार में न्यूज हम पढ़ते हैं कि कोटा के अंदर सुसाइड कर लिया। मैं तो हैरान हो गया, सीकर के अंदर 3.5 लाख छात्र छात्राएं हैं। साथियों मैं आपको यह विश्वास दिला देता हूं कि राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम के उद्धार के लिए भी हम स्पेशली जो आपकी कमिश्नरेट है उनको एजुकेशन हब में विकसित करने का आने वाले भविष्य में काम करेंगे। मेरी तो विनती आग्रह आपसे है कि इस युवाओं के जोश को एकत्रित कर आगे बढ़ो। और जहां बिजली की बात है, ये तो सिर्फ बातें करने के अवसर रखते हैं। आज हरियाणा में जमीन नहीं है, खेतीबाड़ी बहुत होती है क्योंकि नहरों का सिस्टम विकसित किया गया। साथियों राजस्थान में आने का मौका जब जब मिला, चाहे वो हनुमानगढ़ गंगानगर का इलाका हो, नागौर बीकानेर का इलाका, आज इंदिरा गांधी कनाल के माध्यम से कोई घग्गर में से ले पानी की व्यवस्था बनाई जाती। आज हरियाणा में ऐसा हमने व्यवस्था बनाई है कि सिरसा जिले से लेकर मेवात तक, महेंद्रगढ़ से लेकर यमुनानगर तक कोई हमारा ऐसा हिस्सा नहीं बचा जो आज सिंचाई युक्त ना हो। और ये वादा करता हूं कि इस नहर के सिस्टम को और बेहतर बढ़ाकर कैसे व्यवस्था बनाई जाए राजस्थान में, उसमें गति के साथ हम काम कराने का कार्य करेंगे। मैं तो अंत में इतना कहना चाहूंगा, चलो जवानों आगे बढ़ो, तोड़ो अब इस मौन को, सत्ता तक पहुंचा दो किसान कमेरी कौम को। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो। साथियों आज मैं राजस्थान के हमारे जितने साथी मंच पर बैठे हैं, हमारी दोनों महिला नेत्रियों से भी, रीटा सिंह जी से, प्रतिभा सिंह जी से, ये मेरे को लगता है किसी को विश्वास नहीं था कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की टीम राजस्थान में कितनी मजबूत है। चौधरी देवीलाल के विचार राजस्थान की जनता के साथ कितने मजबूती से जुड़ेंगे, कितने मजबूत हुए। मैं रामनिवास जी तो है एक साथी पुराने जनता दल के टाइम के, इनने तो देखा है चौधरी देवीलाल जी आया करते थे, हेलीकॉप्टर उतारा करते थे, एक गांव के छोरे के थपकी दे दी और पता चला 2 महीने बाद विधायक बन गया। मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से भी आग्रह करूंगा, अपनी इस टीम को इसी तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ, अभिनंदन करेंगे, अपनी इस टीम को इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ। और ये विश्वास रखना, मैंने हर वक्त कहा है, बैठ जाओ 25 से 30 साथियों को हम तैयारी करा रहे हैं मैदान में उतारने की, और उनकी ताकत कोई बढ़ेगा
तो आप जैसा मेहनती कार्यकर्ता बनेगा, आप जैसा मेहनती साथी मैदान में उतरकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की इस टीम को मजबूती देने का काम करेगा। और आज हाथ उठाकर विश्वास दिला दो डॉक्टर साहब को, दोनों हाथ अगले विश्वास दिलाने का काम करें, अगले दो महीने दिन रात एक कर कर कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे, जोश के साथ पार्टी संगठन को और इस चाबी को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप मेहनत कर दो, ये मेरी गारंटी, मेरा वादा आपसे है कि आपकी मेहनत को बेसफल नहीं होने देंगे, आपकी मेहनत से ही राजस्थान विधानसभा का ताला खोलेगी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की जननायक जनता पार्टी की यह चाबी। आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं, खास तौर पर सारी राजस्थान की टीम का, जिनने इतने जोश और उत्साह के साथ आज हमारा यहाँ स्वागत किया। मैं शीला बयान जी की, श्रीमती नैना चौटाला जी का खास तौर पर आभार प्रकट करूंगा कि उनकी महिला शक्ति है, महिला टीम जिस संख्या में राजस्थान की धरा पर आई है, आज की ये रैली रिकॉर्ड तोड़ रैली इसलिए बढ़ पाई कि इस महिला शक्ति का आज बहुत बड़ा योगदान। एक बार जोरदार तालियां मेरी माताओं बहनों के लिए। मैं तो साथियों आभार प्रकट करूंगा एक एक युवा का जो आज अपनी शक्ति को, जोश को आज दर्शाने आया है। और मैं पत्रकार साथियों को अभी आभार प्रकट करते हुए उनसे आग्रह करूंगा, साथियों बहुत से लोग कहते हैं कि युवाओं में हौसला कम हो गया, बहुत से लोग कहते हैं कि जननायक जनता पार्टी का जोश कम हो गया। मैं तो ये बोल सकता हूं कि ये हमारी वानर सेना जो है वो इसी मजबूती के साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। और चौटाला जिंदाबाद। साथियों मैं तो इस वानर सेना के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए, मेरे भाइयों बहनों के लिए ये चार लाइनों के साथ आखिरी बात कहना चाहूंगा। अब राजस्थान विधानसभा में जाएगा कमेरा, फिर दिल्ली की तरफ बढ़ाएगा कदम कमेरा, ताऊ के सिपाहियों ने कर लिया फैसला, मुश्किलों को हौसले से हराएगा कमेरा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।